हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को रेगुलर कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ग्रामीण परिवेश का आज प्रैक्टिस सेट दूसरा है दोस्तों हमारा। एक प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम लोग कर चुके हैं ग्रामीण परिवेश का, तो आज दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है दोस्तों, सेकेंड है। तो जिसने भी दोस्तों अभी हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट ना देखा हो, वो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर हमारे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें और वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोग जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, सभी लोग दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी हर अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपका पहला। निम्नलिखित में से संस्कृति का आवश्यक तत्व कौन सा है? निम्नलिखित में से संस्कृति का आवश्यक तत्व कौन सा है? व्यक्तियों का व्यवहार, परंपराएं, विभिन्न धर्मों एवं जातियों का समन्वय, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्षेत्र का दोस्तों आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, व्यक्तियों का व्यवहार भी होगा, परंपराएं भी होगा, विभिन्न धर्मों एवं जातियों का समन्वय भी होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। क्लियर है, क्या होगा? उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है। इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय संस्कृति से संबंधित है? धर्म की श्रेष्ठता एवं दार्शनिक आधार, सहिष्णुता एवं समन्वयात्मक प्रक्रियाएं, प्राचीन व अमरता, या फिर उपरोक्त सभी। तो 77 का दोस्तों क्या होगा, धर्म की श्रेष्ठता एवं दार्शनिक आधार, सहिष्णुता एवं समन्वयात्मक प्रक्रियाएं, या प्राचीन व अमरता। तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन नंबर होगा डी। ये सभी दोस्तों जो आपके ऑप्शन दिए हैं भारतीय संस्कृति से ही संबंधित हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका 78। तो 78 क्वेश्चन क्या कहता है, लोक शब्द निम्नलिखित में से किसका घोतक है? जो शब्द है दोस्तों लोक, तो वो किसका घोतक है? इसमें से समाज का, संस्कृति का, मानवता का, या फिर पिछड़ापन का। तो 78 का साथ ही आप बताएंगे क्या होगा इसका, होगा दोस्तों लोग जो शब्द है वो है पिछड़ापन का घोतक। किसका है दोस्तों? पिछड़ापन। 78 का क्या होगा दोस्तों? डी, ऑप्शन नंबर डी 78 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, सामाजिक संरचना निम्नलिखित में से किसकी परिचायक है? जो सामाजिक संरचना है साथी, वो निम्नलिखित में से किसकी परिचायक है? तो ऑप्शन क्या है, परिवार के सदस्यों की, व्यक्तियों के समूह की, या फिर सामाजिक ढांचे की, या फिर आर्थिक बल की। तो किसकी होगी सामाजिक संरचना निम्नलिखित में से किसकी परिचायक है? तो 79 का जल्दी से बताइए दोस्तों, 79 का क्या हो जाएगा, परिवार के सदस्यों की परिचायक होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथी क्या है, भारत में वर्ण का परिवर्तित रूप क्या है? भारत में जो वर्ण है, वर्ण उसका परिवर्तित रूप है आश्रम व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, वंशावली, या फिर जाति प्रथा। तो भारत में वर्ण का परिवर्तित रूप क्या है? 80 का आंसर जल्दी से करिए आप लोग। क्या है वर्ण का मतलब है दोस्तों? जाति प्रथा। ठीक है, जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 81। तो 81 क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रामीण समाज की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? कम संख्या, जमींदारी प्रथा, मौसमी बेरोजगारी, या फिर कृषक समाज। तो ग्रामीण समाज की जो सबसे मुख्य विशेषता होती है दोस्तों, वो दोस्तों क्या होती है आपकी, कृषक समाज। ठीक है, क्या होता है, कृषक समाज, या कृषि से रिलेटेड आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला है, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था का स्वरूप है, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था का स्वरूप है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 82 का जल्दी से आप बताइए, भारत में जो पंचायती व्यवस्था का स्वरूप है वो कैसा है दोस्तों? वो है आपका त्रिस्तरीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं 83। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय समितियों एवं जिला परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय समितियों एवं जिला परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? सन 1960, 1962, 1961, या फिर 1963। तो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय समितियां एवं जिला परिषद अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? तो वो हुआ था दोस्तों आपका 1961 में, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आरक्षण का लाभ किसे होता है? आरक्षण का लाभ
किसे होता है? निर्धन वर्ग को, शिक्षित वर्ग को, अनुसूचित वर्ग को, या फिर इनमें से कोई नहीं। आरक्षण जो दोस्तों रिजर्वेशन होता है वो आप सभी को पता होगा किसे होता है दोस्तों, अनुसूचित जाति वालों को। आप फार्म भी भरते होंगे कोई भी एग्ज़ाम का, तब भी आप देखते होंगे वहाँ पर आपको रिजर्वेशन एज वगैरह में भी आपको छूट मिल जाती है। तो वही क्या होता है दोस्तों, आरक्षण का लाभ किसे होता है? अनुसूचित वर्ग को होता है। क्लियर है मेरी बात सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण आर्थिक तंत्र का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण आर्थिक तंत्र का अंग नहीं है? तो इसमें बताइए कौन सा आंसर होगा, जमींदार, भूमिहीन श्रमिक, या फिर ग्रामीण कारीगर व सेवक, या फिर शिक्षक। तो इनमें से कौन ग्रामीण आर्थिक तंत्र का अंग नहीं है? 85 का दोस्तों क्या हो जाएगा, 85 का हो जाएगा दोस्तों डी, मतलब शिक्षक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंग्रेजी सरकार ने भारत को संघर्षरत देश कब घोषित किया था? जो अंग्रेजी सरकार थी दोस्तों उसने भारत को संघर्षरत देश कब घोषित किया था? मई 1939 में, जुलाई 1939 में, सितंबर 1939 में, या फिर नवंबर 1939 में। तो जो अंग्रेजी सरकार थी साथी, उसने भारत को एक संघर्षरत देश घोषित किया था किस सन में और कौन से महीने में? तो 86 का जल्दी से आप लोग आंसर करिए। तो दोस्तों वो होगा सितंबर 1939 में, अंग्रेजों ने भारत को एक संघर्ष देश घोषित किया था सितंबर 1939 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं साथी, 87। तो 87 क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है आपका, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब आरंभ या प्रारंभ हुआ था? जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन था साथी, वो आपका कब प्रारंभ हुआ था? वर्ष 2002 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2004 में, या फिर वर्ष 2006 में? तो सभी लोग 87 का आंसर देंगे। तो कब हुआ था दोस्तों, वर्ष 2004 में, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों आज अभी आप लोग कमेंट करके बताना मुझे 25 में से आप लोग कितने क्वेश्चन दोस्तों ठीक कर पाए हैं, और ये दोस्तों आपके क्वेश्चन बिल्कुल इस तरीके से परफेक्ट हो जाएंगे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। जो आपका यूपी लेखपाल का आपका एग्ज़ाम होगा साथी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद इसमें मिलेगी। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर दबा के करें दोस्तों, और लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों हमारी वीडियो को, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम पर जाके फॉलो कर लें, ये PDF मैं आपकी टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, 88। तो 88 क्वेश्चन क्या कहता है, स्त्रीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? स्त्रीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली, अस्थिर रहने वाली, स्थिर रहने वाली, या फिर तीव्रगामी प्रक्रिया? तो स्त्रीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो वो है दोस्तों आपकी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, स्त्रीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया दोस्तों, निरंतर चलने वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देते हैं, 89। गाँव में गुटबंदी के लिए सर्वाधिक कौन उत्तरदायी है? गाँव में जो गुटबंदी होती है दोस्तों, इसके लिए सर्वाधिक कौन उत्तरदायी है? रोजगार के सिमटते अवसर, या फिर जाति व्यवस्था, या फिर क्या है दोस्तों आपकी जाति व्यवस्था, या फिर व्यक्तिवाद, या फिर चुनाव? तो गांव में जो गुटबंदी होती है वो सर्वाधिक कौन उत्तरदायी होता है इसके लिए, बताइए कौन उत्तरदायी होता है साथी? उसके लिए होता है दोस्तों चुनाव। चुनाव क्या होता है, उत्तरदायी होता है। नगरवाद का अर्थ होता है नगरीय जनसंख्या की वृद्धि, नगरीय जीवन पद्धति, या फिर नगरों का मौलिक विकास, या फिर ग्रामीण नगरीय प्रवजन। तो नगरवाद का अर्थ क्या होता है सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए, नगरवाद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? नगरीय जीवन पद्धति, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका, 91। तो क्या बोलता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? गतिशीलता, मुद्रा अर्थव्यवस्था, कृत्रिमता, या फिर सामाजिक समरूपता? तो निम्नलिखित में से कौन नगरीय समुदाय की व्यवस्था नहीं है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे 91 का कौन नहीं है? सामाजिक समरूपता, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 92 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सांस्कृतिक एकाधिकता पाई जाती है संस्कृतिकरण में, आधुनिकरण में, सार्वभौमिकरण में, या फिर स्थानीयकरण में? तो सांस्कृतिक एकाधिकता कहाँ पाई जाती है दोस्तों 92 का, जल्दी बताइए कहाँ पाई जाती है? आधुनिकरण में पाई जाती है। चलिए 93 क्वेश्चन दोस्तों क्या है, आधुनिकरण में मानव मन के किस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है? आधुनिकरण में मानव मन के किस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है?
जातिगत दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण या फिर ये सभी दृष्टिकोण। तो 93 का दोस्तों आप जल्दी से बताएंगे क्या होगा, ये सभी दृष्टिकोण आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका, आई आर डी पी का पूरा नाम क्या है, इंडियन रेलवे डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर इंडियन रेल रेडियो डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर इंटरनेशनल रेलवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो IRDP की फुल फॉर्म बताइए जल्दी से दोस्तों कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि जाहिर सी बात है आप क्या पढ़ रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण परिवेश, तो दोस्तों जाहिर सी बात है क्या होगी आपकी, रूरल से संबंधित ही दोस्तों आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी, भारत में जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी, 1990 में, 1999 में, 2000 में या फिर 2001 में। तो 95 का साथी जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, कब हुई थी, 1999 में आपकी हुई थी, 95 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लिए, 96 दोस्तों क्या बोलता है आपका, जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा है, जी एस घुरिए ने, एस सी दुबे ने, एम सी राय या फिर जे एच हट्टन। तो जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा है, 96 का जल्दी बताइए किसने कहा है, जी एस घुरिए ने, ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन साथी आप सभी के लिए, 97 सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ की गई थी, कब प्रारंभ की गई थी, 1952 में, 1960, 1965 या फिर 1969 में। जल्दी से साथी सभी बताएंगे कब प्रारंभ की गई थी आपकी सामुदायिक विकास योजना, प्रारंभ कब की गई थी जल्दी बताइए, तो की गई थी दोस्तों 1952 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथी देख लेते हैं, ग्रामीण निर्माण केंद्र की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई थी या कहाँ हुई थी, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में या फिर केरल में। ग्रामीण निर्माण केंद्र की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी, 98 का जल्दी से बताइए कहाँ हुई थी दोस्तों, वो हुई थी आपकी केरल में, कहाँ हुई थी दोस्तों, केरल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 99 लेवल यंत्र से स्टाफ पठनांक पढ़ना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर या फिर ऊपर या नीचे, या स्टाफ आशंकित नहीं, स्टाफ आशंकित नहीं होते। ठीक है, तो लेवल यंत्र जो है स्टाफ पठनांक कैसे पढ़ना चाहिए दोस्तों, 99 का जल्दी से बताइए कैसे पढ़ना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का हमारा, प्लेन टेबल स्टेशन के लिए या स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करता है, जो प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करता है, किस विधि से, ट्राउंसिंग विधि से और अंतरछेदन विधि से, दोनों से या फिर प्रतिच्छेदन से। तो जल्दी से बताइए 100 का क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों से, किससे करता है दोस्तों, दोनों से करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट था दोस्तों, जो किस चीज़ का था दोस्तों हमारा, ये दोस्तों था हमारा ग्रामीण परिवेश। ठीक है, ये फिर किसका था दोस्तों, हमारा ग्रामीण परिवेश का प्रैक्टिस सेट था। और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप आउट ऑफ 25 में से कितने क्वेश्चन दोस्तों ठीक कर पाए हैं, और कमेंट में दोस्तों ज़रूर हमें बताना कि आप कितने क्वेश्चन आप लोगों ने ठीक किए और कैसा आपका परफॉर्मेंस हो रहा है हल्के हल्के। और हमारे चैनल को दोस्तों आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें दोस्तों। और हमारे चैनल पर दोस्तों जो चैनल जहां लिंक होता है दोस्तों, प्ले लिस्ट के बगल में ऑप्शन जो होता है चैनल का, वहां जाकर दोस्तों हमारा सेकेंड चैनल, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिसमें दोस्तों हम लोग ब्लॉग्स डाल रहे हैं। और दोस्तों मैं संडे को नानक मद्दा का ब्लॉग उसमें ज़रूर अपलोड करूंगा, और पढ़ाई के साथ साथ हम लोग इन्जॉय भी करते चलेंगे। चलिए दोस्तों मुलाकात होती है आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।